तो दोस्तों बिल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की मूवी आई है बैड बॉयज राइड और डाई। दोस्तों इसका जो है ट्रेलर बहुत समय पहले आया था, जिसको देखने के बाद मेरी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब इस मूवी को मैंने देख लिया है और चलिए इसका रिव्यू करते हैं। तो भाई लोग, इसके लिए आप लोगों का सवाल होगा कि आप बिल स्मिथ को देखने जा रहे हो सबसे पहला, क्योंकि आप मार्टिन लॉरेंस को तो बहुत कम ही जानते हो, उनको ज़्यादातर मूवीज़ में नहीं देखा। बस बैड बॉयज जो है 90s का आप लोग देखो तो बहुत ही कमाल की थी, लेकिन अभी इसमें जो है थोड़ा सा कॉमेडी टाइमिंग बहुत ज़्यादा दी गई है, एक्शन पर भी ध्यान रखा गया है थोड़ा सा मतलब कम है, लेकिन जो है कॉमेडी बहुत ही बढ़िया इसमें। अब जो डायलॉग सुनोगे वो आपके छक्के छुड़ा देने वाले हैं। तो भाई जैसा कि बिल स्मिथ ने जो है अभी एक कांड हो गया था, थप्पड़ मार दिया गया था, तो उसके बाद जो है इस मूवी में थोड़ा सा बदलाव होने वाला था, इसीलिए भाई इसमें जो कुछ भी देखने को मिलने वाला है वो बहुत ही कमाल है। मेरे हिसाब से इस मूवी को अगर आप लोग देखने जा रहे हो एक्टिंग वाइज तो भाई बिल्कुल भी देखने मत जाना, ठीक है। एक्टिंग तो भाई दोनों की थोड़ी सी लो है, लेकिन अगर आप लोग स्टोरी वाइज देखना चाहते हो तो भी मत जाना देखने, ठीक है। मैं कॉमेडी के लिए देखने गया था भाई, मेरे को जब ट्रेलर में मैंने देखा था तो काफ़ी अच्छा लगा था मेरे को कि इतना बढ़िया कॉन्टेंट देखने को मिलेगा, लेकिन भाई इस मूवी को देखने गया तो भाई एकदम से दिमाग ख़राब हो गया कि क्या ही बना दिए हो भाई। एक्शन तो है नहीं, बस ज़्यादातर आपको इसमें जो रेसिंग देखने, फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप की कुछ देखने वाला है कि गाड़ी चलती जा रही है, और साथ में उनका जो है कॉमेडी टाइमिंग, जो उनके बात करने का तरीका है, वो इसका सबसे मेन पॉइंट है जो आप लोगों को देखना चाहिए। अब ये सवाल उठता है भाई कि आप लोग देखने जाएंगे नहीं, तो मेरे हिसाब से देखने जा सकते हो आप। सब जोर से दो चार चीज़ें इकट्ठी करके अब अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए। भाई कुछ चीज़ें गलत हर मूवी में होती हैं, तो इसमें भी कुछ बैड लगा मुझे, मेरे ख़राब लगा, माइनस पॉइंट में आया वो चीज़, वो मुझे मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से देखते हैं तो आप लोग बिल्कुल मूवी को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से इस मूवी को मैं 3 स्टार देता हूँ 5 में से। आप लोग जितना भी आपको जैसा लगे आप लोग मुझे जज कर सकते हैं इस मूवी को, लेकिन मैं तो भाई इतना ही कहूँगा कि भाई मेरे हिसाब से इसमें सबसे बेस्ट ये की मेरे को भाई वो कॉमेडी लेवल है। एक्टिंग वाइज अगर उनका बात करूँ तो बढ़िया की है, जैसे कि विल स्मिथ की थोड़ी सी मुझे डाउन लगी, और बाकी जो है मार्टिन लॉरेंस जो है काफ़ी कमाल का बंदा है। अब भाई देखने में थोड़ा सा भालू टाइप का लगता है, लेकिन भाई एक्टिंग वाइज देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इसका किसी को चेहरे से जज करोगे तो भाई वो नहीं बनता है। बंदे की फिल्में आपने अगर पुराने देखी तो कोई बात नहीं है, इसमें आपको बहुत ही बढ़िया काम देखने वाला है। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई आप लोग वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करता हूँ मैं आप सबके लिए, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ जो है मैंने इसी के बराबरी में एक और फिल्म देखी जिसका नाम है गुल्लक सीजन 4, उसका भी रिव्यू मैं जल्दी देने वाला हूँ। तो भाई उसके लिए तो भाई एकदम भाई TVF की तरफ से एकदम बवाल आया है, जिसमें छक्का नहीं आप 8 बोल दीजिए, जो बॉलीवुड के लिए वो फिल्में बना रहे हैं, वो सीरीज बनाते हैं, जो अभी पंचायत के बाद ये वाला जो अब कमाल है यार, मतलब क्या ही धमाल बनाते हैं। TVF वालों के जितने भी आप लोग देखोगे, अभी इसके बाद कोटा फैक्ट्री आने वाली है, मतलब इस साल जो है जून का महीना पूरा फाड़ के रख दिया। तो इसके लिए तो भाई मैं तैयार नहीं था कि लगातार इतनी हिट सुपर हिट देने वाले हैं वो, तो उसको भी देखने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं भाई लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।